और अब बात करते हैं रीवा की, जहां जिले को नशा मुक्त भारत अभियान योजना के तहत नशा मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में 12 अगस्त को जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आयोजित कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत की शपथ ली गई है। एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव ने तिरंगा साइकिल रैली आयोजन के दौरान उपस्थित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों तथा विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस दौरान डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, तहसीलदार यतीश शुक्ला, टीआई सिविल लाइन थाना हितेंद्र नाथ शर्मा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त कॉलेज तथा स्कूल में विद्यार्थियों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायतों में नशा मुक्त कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। जिले में शिक्षकों एवं आमजनों के साथ मिलकर नशा मुक्त भारत की जागरूकता रैली निकाली गई है। इस संबंध में संयुक्त संचालक अनिल दुबे ने बताया कि शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों तथा प्राध्यापकों ने नशा मुक्त भारत की शपथ ली, रैली निकालकर आमजनों को नशे की बुराइयों से अवगत कराया गया।